दिस इज विशाल यूलैंगस ट्रेनर एंड द मोटिवेशनल स्पीकर। गाइस कल की बात करें तो कल हम लोगों ने एक छोटी सी क्लास पढ़ी थी लाइक परमिशंस टू नो अबाउट एंड मैजिक वर्ड। लेकिन आज हम इनकी बात ना करके आज हमें अपनी एक नई क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज हमारी एक नई क्लास है और वो है आपकी दैट हाउ टू यूज डू एंड डज। How to use do and does. आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इंग्लिश में अपनी बातचीत में अपनी कॉन्वर्सेशन में हम do और does का प्रयोग आखिर कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस देखिए do और does के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि आखिर do और does का यूज करेंगे ना। इसका सिंपल सा एक रूल है, रूल इतना है बस इतना कि बहुत तरह से काम है जो आप काम करते हैं, बहुत ऐसे काम है जो आप काम करते हैं लाइक स्टडी करना, पढ़ाई करना, ठीक है ना, स्कूल जाना, रूम को डेकोरेट करना, ऐसे बहुत सारे काम है जो आप काम करते हैं। तो किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो कुछ नहीं करता है, सबसे पहले आपको अपने आप को रखना है और अपने आप को रखने के बाद उसके जस्ट बाद आपको काम रख देना है, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपने आप को आप बोलते हैं आई और आई के जस्ट बाद आपको रखना है स्टडी, हो गया आपका सेंटेंस क्लियर हो गया और बोलते हैं आई स्टडी। हाँ चलिए मेरे साथ बोलिएगा, बोलते हैं आई स्टडी। हाँ चलिए अब इसी के साथ साथ और भी चीजें ले लेते हैं, जैसे हो सकता है आप स्कूल जाते हैं तो अपने आप को बोलते हैं आई, उसके जस्ट बाद आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने बोलते हैं गो टू स्कूल, तो आपका सेंटेंस हो जाता है आई गो टू स्कूल। अगर आप जो है रूम को डेकोरेट करते हैं तो आपने कहा मैं रूम को डेकोरेट करता हूं, तो आप करते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को रखोगे और आप हो जाओगे आई और रूम को डेकोरेट करने बोलते हैं डेकोरेट द रूम और हो जाएगा आपका आई डेकोरेट द रूम। सॉरी, और इसी साथ साथ मान लीजिए आप अपना होमवर्क को ही करते हैं तो आप करते हो तो आप अपने आप बोलोगे आई और आई के जस्ट बाद आप होमवर्क करते हो, होमवर्क करने बोलते हैं कंप्लीट द होमवर्क, कंप्लीट द होमवर्क, तो आई आई के जस्ट बाद आ जाएगा कंप्लीट द होमवर्क और आपका सेंटेंस हो जाएगा आई कंप्लीट द होमवर्क। गॉट इट गाइस? तो देखिए करना इसमें कुछ नहीं है, हमेशा के लिए तरीके के लिए याद रखेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको आई रखना है और आई का जस्ट बाद जो भी आपका काम है, जो भी आपका एक्शन है, उस एक्शन को रख देना है और आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। गॉट इट गाइस? चलिए अभी तो हमने सीखा कि दैट कि आप हाँ में जवाब कैसे दे सकते हैं, अब हम बात करेंगे कि अगर कोई सवाल हमसे करता है तो सवाल करने में हमें नहीं में हम जवाब कैसे दे सकते हैं। तो नहीं में जवाब देने का तरीका बेहद सिंपल सा है, बहुत सरल सा है और सरल लगता है कि काम आप नहीं करते, जैसे बहुत सारे काम है जो आप नहीं करते, जैसे हो सकता है आप स्मोक ना करते हो, ठीक है ना, आप जो है कोई कॉलेज आप ना जाते हो, आप स्विम ना करते हो, आप पतंग ना उड़ाते हो, आप दूसरों को अब्यूज ना देते होंगे, तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आप काम नहीं करते हैं। तो अगर आप नहीं करते हैं तो अपने आप को बोलेंगे आई और आई के जस्ट बाद जो भी आपका काम है उस काम को तो हम लास्ट में रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप नहीं करते तो नहीं किया जाएगा नॉट। मगर याद रखिएगा इंग्लिश में नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, नॉट के पहले कोई ना कोई हम यहाँ पे एक खास वर्ड लेकर के आते हैं, एक हम यहाँ पे टाइम वर्ड लेकर के आते हैं। और हम बात कर रहे हैं डू और डस की, तो यहाँ पे आई के साथ आएगा डू और आपका सेंटेंस हो जाएगा डू नॉट और आपका एक छोटा सा सेंटेंस तैयार होता है यहाँ पे आई डू नॉट। तो आई डू नॉट और आई डू नॉट का जस्ट बाद जो भी काम आप नहीं करते हैं उस काम को आप लास्ट में रख दीजिए। आपका सर मैं स्मोक नहीं करता, तो मैं स्मोक नहीं करता तो बोलते हैं आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट स्मोक। आपने कहा मैं कॉलेज नहीं जाता तो कहते हैं आई डू नॉट गो टू कॉलेज, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। आपने कहा सर मैं पढ़ाई नहीं करता तो आई डू नॉट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी। इसी के साथ साथ आपने कहा सर मैं गाली नहीं देता, आई डू नॉट अब्यूज, आई डू नॉट अब्यूज। आप चाहें तो डू नॉट को आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, आप डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं और आप कह सकते हैं आई डोंट स्टडी, I don't go to school, I don't decorate the room, I don't abuse. Got it, guys? Well, guys, ये थे आपके yes में answer और no में answer. अभी हम बात करने वाले question की, क्योंकि याद रखिएगा कि जब तक लोग हमसे सवाल नहीं करते तब तक हम उनको जवाब नहीं देते हैं। आप एक थोड़ा सा imagine करिए कि कोई व्यक्ति आपसे पूछे ही ना कि आप स्मोक करते हैं कि नहीं करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या आप अपने मन से आप खड़े होकर के बोलेंगे मैं पढ़ाई करता हूं मैं पढ़ाई नहीं करता? नहीं, हम क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं, हम वेट करते हैं कि सामने वाला हमसे सवाल करे और जब वो हमसे सवाल करता है तभी हम उनके सवालों का जवाब देते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही प्यारा सा है, कुछ नहीं करना है, हम बात डू और डस की कर रहे हैं। तो डू और डस में क्या करना है कि अगर आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करने के लिए डू को निकाल करके आपको सबसे पहले रखना है। आपने डू को निकाल करके सबसे पहले रखा तो उसके बाद याद रखिएगा हमेशा कभी भी क्वेश्चंस, कभी भी सवाल हम अपने आप से नहीं करते, हम क्वेश्चन हमेशा अपने सामने वाले से करते हैं और सामने वाला हमारे लिए होता है यू।
तो आपका एक छोटा सा वर्ड तैयार होता है यहाँ पे डू यू, और डू यू का जस्ट बात जिस भी काम की आप बात कर रहे हैं उस काम की आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। मान लीजिए कि अगर आप स्टडी की बात कर रहे हैं, आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे बोलेंगे डू यू स्टडी। आप वहां पर इतना ही बोलेंगे कि डू यू स्टडी, यानी क्या आप पढ़ाई करते हैं। और अगर मान लीजिए सामने वाला पढ़ाई करता है तो वो सिंपली बोलेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आई स्टडी, बोलेगा आपसे आई स्टडी। या मान लीजिए स्कूल जाने की बात कर लिया, मैंने कहा क्या आप स्कूल जाते हैं, तो कहते हैं डू यू गो टू स्कूल। मैंने कहा क्या आप दूसरों को गाली देते हैं, डू यू अब्यूज अदर। मैंने कहा क्या आप झूठ बोलते हैं, डू यू टेल अ लाई। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको करना होगा, स्पेशली इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, कि सामने वाला इस काम को करता है या नहीं करता है, तो इसके लिए बस आपको इतना करना होगा, आपको डू रखना है, डू के जस्ट बाद आपको यू रखना है, और यू के जस्ट बाद आपको अपने काम की, जो भी आपका एक्शन होगा उस काम की आपको फर्स्ट फॉर्म रखनी है, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके सो वेल गाइस, ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स। चलिए अब थोड़ा सा हम फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं, और फॉर्मेट की अगर बात करें तो फॉर्मेट आपका यही होगा डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, अगर आप काम करते हैं तो आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, अगर आप काम नहीं करते तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं डू यू स्टडी, अगर आप करते हैं तो आई स्टडी, अगर आप नहीं करते तो आई डू नॉट स्टडी। मैंने कहा स्कूल जाते हैं, डू यू गो टू स्कूल, आपने कहा जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आपने कहा नहीं जाता तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है गाइस? चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लेकिन अभी ये जो कॉन्वर्सेशन थी, अभी ये जो सवाल और जवाब थे, ये तो हमने सिर्फ आपस में किया हुआ है, यानी एक और दूसरे से किया हुआ है, आई और यू से किया है। बट डोंट फॉरगेट दैट समटाइम वी हैव टू टॉक अबाउट अ थर्ड पर्सन, समटाइम वी हैव टू टॉक अबाउट अ थर्ड पर्सन, एंड फॉर द थर्ड पर्सन वी यूज डज एज अ टाइम वर्ड देयर। अगर डस की बात करें तो हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं एक एज अ टाइम वर्ड के तौर पे, लेकिन अगर डस के बारे में हम बात करें तो उससे पहले हम लोग जानेंगे ये कि आखिर हम उनको जवाब कैसे देंगे, मतलब जवाब देना पहले हमें सीखना है, उसके बाद हमें सीखना है कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे थर्ड पर्सन के बारे में। तो सवाल सॉरी जवाब देने का तरीका बेहद ईजी सा है, आपको करना इतना है, आप बात थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन मान लीजिए आपका ही हो गया, तो पहले आपको ही को रखना है और ही के जस्ट बाद आपको काम रखना है। मान लीजिए आपने कहा ही जो है पढ़ाई करता है, अब ही पढ़ाई करता है तो ही आ जाएगा, ही के जस्ट बाद आ जाएगा पढ़ाई करना यानी स्टडी। लेकिन एक चीज रखिए, यहाँ पे छोटा सा नियम है, नियम ये है यहाँ पे जो भी आप काम यूज करोगे उस काम में आप यस और यस आप जरूर यूज करोगे। याद रखिएगा अगर आप यस और यस नहीं यूज करते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो ही है, ही के जस्ट बाद स्टडी आएगा, स्टडी में आपने जोड़ देना है यस और यस, तो आपका बन जाएगा स्टडीज, और आपने बोलना है ही स्टडीज, ही स्टडीज, ही स्टडीज, यानी ही जो है पढ़ाई करता है। मैंने कहा ही स्कूल जाता है तो कहते हैं ही गोस टू स्कूल, ही गोस टू स्कूल। मैंने कहा ही जो है लेसन अपना लर्न करता है तो कहते हैं ही लर्न्स द लेसन, ही लर्न्स द लेसन। मैंने कहा ही जो है नमाज पढ़ता है तो कहते हैं ही ऑफर्स द नमाज, याद रखिएगा ऑफर नहीं होगा ऑफर्स। मैंने आपको बताया कि जो भी आपका काम होगा, जो भी आपके एक्शन होंगे उसमें आप यस और यस आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा ही ऑफर्स द नमाज। गॉट इट गाइस? चलिए तो ये था आपका कि आप कैसे आप हाँ में जवाब देंगे। चलिए हाँ में तो हमने सीख लिया, अब हम बारी आएगी, अब बारी है हमारी कि अब आप ना में जवाब कैसे देंगे थर्ड पर्सन के ही बारे में, आप ना के बारे में जवाब कैसे देंगे। देखिए क्योंकि बहुत ऐसे काम है तो जरूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन भी उन सारे कामों को करता होगा, जरूरी नहीं है, कुछ काम ऐसे होंगे जो थर्ड पर्सन भी उस काम को नहीं करता होगा, तो उसके लिए हम वहां पे सिंपल सा है कि वहां पे इसके पहले वाले सेंटेंस में हम लोगों ने डू यूज किया था, सेम वही चीज करेंगे, बस डू को हटाना है और डस को जोड़ देना है, आई को हटाना है और ही शी माय फादर माय सिस्टर माय ब्रदर माय अंकल जो भी होगा हम उनको थर्ड पर्सन के तौर पर वहां पे जोड़ देंगे। जैसे अगर ही की बात करें, मैंने कहा ही पढ़ाई नहीं करता तो पहले ही आ जाएगा, नहीं ले जाएगा नॉट, और आपको बताया मैंने नॉट कभी अकेला नहीं आता है, नॉट के साथ आएगा डज, और कहेंगे ही डज नॉट, सॉरी कहते हैं ही डज नॉट, ही डज नॉट के जस्ट बाद आपका काम आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहां पे काम की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां पे कोई भी यस और यस नहीं आएगा, और कहेंगे ही डज नॉट, मान लीजिए स्टडी है तो कहेंगे ही पढ़ाई नहीं करता तो कहते हैं ही डज नॉट स्टडी, He does not study. कहते हैं he school नहीं जाता तो he does not go to school. मैंने कहा he जो है प्रार्थना नहीं करता तो कहते हैं he does not pray to God. मैंने कहा he जो है college नहीं जाता तो कहते हैं he does not go to college. Clear है guys? चलिए
तो ये भी हो गया आपका नामे जवाब। तो देखिए हमने हाँ में भी क्वेश्चन का सॉरी हाँ में भी आंसर देना सीख लिया और नामे में भी आंसर देना सीख लिया। लेकिन अब बारी है क्वेश्चन करने की कि हम थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन आखिर कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन करने का तरीका भी यहां भी बेहद सिंपल सा है। आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो और थर्ड पर्सन के साथ आप यहां पर डस का यूज कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको डस को निकाल करके सबसे पहले रखना है और डस को रखने के बाद आपको थर्ड पर्सन को रखना है। और याद रखिएगा थर्ड पर्सन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ही और शी ही होता है। थर्ड पर्सन में ही शी माय फादर माय सिस्टर माय ब्रदर माय अंकल एनी नेम माय रिलेटिव यानी कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन में यहां पे। जी हाँ, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ही के बारे में कि क्या ही जो है इस काम को करता है। जैसे मैंने कहा क्या ही पढ़ाई करता है, तो कहते हैं डज ही स्टडी, क्या ही पढ़ाई करता है। आपने कहा या और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, मैंने कहा क्या ही स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। या मैंने कहा क्या ही लाइब्रेरी जाता है, डज ही गो टू लाइब्रेरी। मैंने कहा क्या ही मोबाइल चलाता है, डज ही ऑपरेट मोबाइल। तो देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के तरीके हैं, मतलब ऐसे तरीके हैं जो आप क्वेश्चंस आप बना सकते हो, मतलब यू वोंट हैव टू फील एनी इंपेडिमेंट्स। सो यू विल हैव टू डू ओनली वन थिंग, आपको सिर्फ इतना से करना ये है, क्वेश्चन अगर आपको करना है तो क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको डस को रखना होगा और डस को रखने के बाद जस्ट आपका जो भी सब्जेक्ट है यानी ही शी माय फादर माय सिस्टर माय ब्रदर माय अंकल व्हाटएवर जो भी होगा उसको आपको वहां पे ऐड कर देना है। और लास्ट में आपको पर्टिकुलर जो भी आपका काम होगा, जो भी जिस भी काम के बारे में आप सवाल करना चाहते हैं उस काम को लास्ट में आपको रख देना होगा। लाइक डज ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म, अगर ही करता है तो बोलेगा ही एक्शन प्लस यस आर इयर्स, अगर नहीं करता है तो लास्ट में हो जाएगा ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है गाइस? चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। लाइक पहले ही के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या ही स्कूल जाता है, तो कहते हैं डज ही गो टू स्कूल, अगर जाता है तो ही गोज टू स्कूल, अगर नहीं जाता तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। मैंने कहा क्या ही क्रिकेट खेलता है, तो डज ही प्ले क्रिकेट। मैंने कहा ही क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेस क्रिकेट। मैंने कहा ही नहीं खेलता, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। गॉट इट गाइस? वेल, तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लासेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जाते जाते मैं आपको इस क्लास का पूरा जो फॉर्मेट है मैंने कि जैसे हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे कैसे आंसर देंगे उसका मैं पूरा फॉर्मेट आपको देकर के जाऊंगा, दैट हाउ टू डू योर क्वेरी, आप अब सवाल कैसे करेंगे। तो आपको मैं देकर के जा रहा हूं लाइक डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर नहीं जॉब देना है तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। वही थर्ड पर्सन की बात करें तो डज ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यस ही एक्शन प्लस यस और यस, अगर नहीं निकालना हुआ तो ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल, अगर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट कोशिश करेंगे दैट कि आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे दिया जाए। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड द वीडियो। ओके सो गाइस चलिए अब टाइम हो चुका है हमारी विदाई लेने का, तो चलिए कहते हैं कि कल मिलते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था, कहते हैं कल मिलते हैं, कैसे सुनेंगे? या सी यू टुमारो, कहते हैं सी यू टुमारो। चलिए मेरे साथ बोलिएगा सी टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस इन द क्लासरूम, टिल देन पुट योर हैंड्स, या पुट योर हैंड्स एंड से आदियोस, वंस अगेन से आदियोस। ओके गाइस, आदियोस गाइस, बाय।